सोलन में निजी विश्वविद्यालय मानव भारती के खिलाफ एक हरियाणा की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसके द्वारा विश्वविद्यालय पर कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे विश्वविद्यालय द्वारा फ्रॉड डिग्री दी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस विश्वविद्यालय में आवश्यक छानबीन कर रही है। सोलन में निजी विश्वविद्यालय मानव भारती के खिलाफ एक हरियाणा की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसके द्वारा विश्वविद्यालय पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। महिला ने आरोप लगाया कि उसे विश्वविद्यालय द्वारा फ्रॉड डिग्री दी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय में आवश्यक छानबीन की जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिकायतकर्ता महिला ने फर्जी डिग्री पर उच्च अधिकारी की नौकरी भी हासिल कर ली थी और वह रोजगार अधिकारी के पद पर तैनात थी, लेकिन शिकायत पर जब महिला की डिग्री जांची गई तो वे फर्जी पाई गई। तब महिला को खुलासा हुआ कि उसके साथ विश्वविद्यालय ने फ्रॉड किया है, जिसकी महिला द्वारा शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। उससे भी हैरानी वाली बात ये है कि विश्वविद्यालय द्वारा भी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें विश्वविद्यालय ने कहा कि वे महिला को जानते तक नहीं है और महिला ने अपने स्तर पर ही इस डिग्री को बनाया है, उस महिला से उनका कोई लेना देना नहीं है। विश्वविद्यालय का मानना है कि केवल उसे बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें महिला की शिकायत मिली है। महिला ने निजी विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया है कि उसे विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर में तालीम दी गई और उसके बाद उसे डिग्री भी दी गई। उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी डिग्री के आधार पर जिला रोजगार अधिकारी की नौकरी भी हासिल कर ली थी, लेकिन जब जाँच की गई तो वे डिग्री फर्जी पाई गई। अब महिला ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पढ़ाने के लिए हरियाणा में कक्षाएं भी लगाई थी और उसके बाद ही डिग्री दी गई थी, लेकिन अब वह झूठी साबित हुई है। जानकारी मिली है कि प्रदेश सरकार द्वारा SIT का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में रेड की गई है, महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी 3 मार्च को, और इसमें कंप्लेनेंट जो कि हरियाणा की रहने वाली है, उसने अलेज किया है कि इसने मानव भारती यूनिवर्सिटी के किसी रीजनल सेंटर से, जिन्होंने क्लेम किया था कि हमारी सोलन में यूनिवर्सिटी बन रही है और हम लोग जो है वो मास्टर्स इन साइकोलॉजी करवाते हैं, तो इसने ये क्लेम किया है, अलेज किया है यूनिवर्सिटी पे कि इसने अपनी फीस वगैरह वहाँ पे डिपॉजिट करवाई और इसकी क्लासेस लगी, पेपर हुए और इसको बाकायदा उसकी डिग्री दी गई 2012 में, और बाद में उस डिग्री को यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई भी किया कि ये डिग्री सही है। लेकिन जब इसका सिलेक्शन जॉब में हो गया एज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, तो उनकी जांच में पाया गया कि ये डिग्री जो है फर्जी है, तो इस पे इसने यूनिवर्सिटी पे एलिगेशन लगाया है कि यूनिवर्सिटी ने मेरे से पैसे भी लिए और मुझे फर्जी डिग्री दी और मेरा टोटल जो कैरियर था वो तबाह कर दिया। इस पे पुलिस ने 420, 467, 468, 120B के तहत केस दर्ज किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।